मुंडेरवा के गन्ने की कमाई से हुआ था। जिस वक्त ये मिल बंद हुई थी कितना कष्ट मुझे हुआ था शायद इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। और तभी से मन में सपना था कि अगर मुझे कभी विधानसभा में जाने का मौका मिलेगा तो इस गन्ना मिल को चलवाने के लिए जितना भी प्रयास हो सकता है और प्रयास करके इस मिल को चलवाने का प्रयास करूंगा। एक सपना था मन में और उस सपने को उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिनके लिए मैंने पहले कहा मेरे पास शब्द नहीं है, ये जनपद ये क्षेत्र विधानसभा ऋणी रहेगा महाराज जी के जो आशीर्वाद से इस गन्ना मिल की शुरुआत हो रही है। मेरा प्रयास तो कम था, आपका आशीर्वाद ज्यादा था। मैं तो पहली बार ही जब पैर पकड़ा माननीय महाराज जी का और कहा था एक ही सपना मन में है कि यह बंद पड़ी शुगर मिल मुंडेरवा की चलाई जाए। आपको विश्वास नहीं होता सहज इतना सरल और इस तरीके से मुझे भी कल्पना नहीं थी जिस तरीके से महाराज जी ने आशीर्वाद दिया और देने की बात आज स्थिति जो है शायद यह पहला अवसर होगा कि फरवरी में इसका शिलान्यास हुआ और फरवरी में ही चूंकि आज उस समय चुनाव चल रहा था इसका थोड़ा माउंट ट्रायल भी हो गया और आज उसका विधिवत उद्घाटन आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हो रहा है। महाराज जी का आशीर्वाद तो ऐसे भी हम सभी लोग को बराबर मिलता है। हम लोग बगल के जिले के भी वैसे भी मंदिर से पहले से जुड़े हैं और एक खुशखबरी और आपको बता दूं कि आदरणीय महाराज जी खुद भी इस मिल के सोसाइटी के गन्ना काश्तकार हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नाम से भी सत्ता है, ये शायद आप सभी लोगों को जानकारी नहीं होगी। मेरे पास वो पत्र भी मौजूद है जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी का 120 गाड़ी का कोटा भी बना हुआ है। जय श्री राम। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आप सोच लीजिए जिस मिल का काश्तकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं उस मिल के लिए कितना आगे और प्रयास होगा शायद उतना आप सोच नहीं सकते। यहां एक बिजली बनाने का प्लांट भी लग गया है, एक यहां सल्फरलेस यूनिट की भी स्थापना होने जा रही है, बगल में आपके एक आईटीआई कॉलेज की भी स्वीकृति हो गई है और जो कुछ बकाया रहेगा मुझे उम्मीद है आदरणीय महाराज जी का आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर मिलेगा। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि आदरणीय महाराज जी का भी कार्यक्रम बहुत व्यस्त रहता है। हम सभी लोग केवल एक निवेदन करना चाहते हैं आदरणीय महाराज जी से, इस शुगर मिल का सबसे जो मुख्य रास्ता है मुंडेरवा से लालगंज और कुदराहा तक जो सिकुड़ी हुई सड़क है, आने जाने में काफी परेशानी होती है, बड़ी पुरानी सड़क बनी हुई थी और इधर जब आपका 50,000 क्विंटल की मिल है 24 घंटे में पराई करेगी तो निश्चित है इसका आवागमन बढ़ेगा, यहां ट्रैफिक बढ़ेगा, इस सड़क का चौड़ीकरण उच्चीकरण हो जाए, ये प्रार्थना मैं आपसे करता हूं। और दूसरा एक निवेदन है कि हमारे यहां जो बस्ती सदर की मुख्यालय की तहसील है उससे होकर के एक सड़क जाती है मूड़घाट से गणेशपुर धनौला, उस सड़क को भी उच्चीकरण चौड़ीकरण करने के लिए महाराज जी से मैं चारों से आशीर्वाद देना चाहता हूं। और मेरे विधानसभा में 3 ब्लॉक हैं, किसी भी ब्लॉक में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक कन्या इंटर कॉलेज साहूहाट में, एक कन्या इंटर कॉलेज इस मुंडेरवा के भंकटी ब्लॉक में और बाकी जो बाकी रह जाएंगे फिर हम अलग से मिलकर के महाराज जी से मांग लेंगे।
मुझे पूरा उम्मीद और पूरा भरोसा है कि महाराज जी का आशीर्वाद जिस तरीके से हम लोगों को मिलता रहा है, जिस तरीके से उनका हाथ रहा हम लोगों के ऊपर है, इस तरीके से आगे भी हम लोगों के ऊपर बना रहेगा। इसी उम्मीद और भरोसे के साथ